जी ये है जी हमारा प्यारा सा क्यूट सा केक। अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप? भाई ने कहा है कि जी ये चिकन भी खुद तैयार करता हूँ, मुझे लगा ये खुद से चिकन बनाते हैं। खाएं। आप भी आ जाएं यार प्यारे। 7 से 8 मिनट कंप्लीट और पिज्जा निकल के बाहर आ चुका है। भाई को जानता हूँ। अच्छा, पहले जाने बेहतर है भाई। भाई बड़ी बड़ी मोहब्बत, जज़ाकअल्लाह। जुम्मे की नमाज का टाइम हो चुका है, करीबन 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी जल्दी निकलता हूँ। जुम्मे की नमाज जो है वो हमने अदा कर ली है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ईद का तीसरा दिन और आज जुम्मा मुबारक था। जुम्मा की नमाज अदा करके अभी वापस आया हूँ मैं। आज क्या होने वाला है, सरप्राइज है, बहुत ज़बरदस्त। थंबनेल आपने देख लिया, आपको पता चल गया होगा, हमारे 5K सब्सक्राइबर मुकम्मल हुए आपकी बदौलत, आप सबकी बदौलत। आपने इतना सपोर्ट किया, इतनी मोहब्बत दी 5K सब्सक्राइबर। लेकिन इसके पीछे मेरी बहुत 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 ज़्यादा मेहनत शामिल है। 3 साल पहले मैंने अपने चैनल का आगाज़ किया और आहिस्ता वीडियो बनाता गया, कंटेंट चेंज होता गया, स्पीचेस, फिर डॉक्यूमेंट्रीज, फिर वॉइस ओवर्स, उसके बाद फिर व्लॉग, क्योंकि वो कंटेंट बनाया जाता है जो आवाम पसंद करती है। आप अपने मिजाज के मुताबिक कोई कंटेंट नहीं बना सकते, अपना मिजाज आपको अकॉर्डिंग टू पब्लिक करना पड़ता है, देन आपकी वीडियो बूस्टअप हो सकती है, आपके सब्सक्राइबर बूस्टअप हो सकते हैं। तो फिर मैंने कंटेंट चेंज किया। मीडिया के कुछ जानने वाले पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि अपने मिजाज को चेंज करो, वैसा रखो जो आवाम पसंद करती है। तो मैंने फिर उसको अपने आप को उस चीज़ में ढाला जिस चीज़ ने मुझे आउटपुट दिया। तो आने वाले व्लॉग इसी तरह के होंगे। तो आज हम केक कट करेंगे 5K सब्सक्राइबर्स का। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें। बहुत से अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बेल आइकन क्लिक ही नहीं किया हुआ, सिर्फ सब्सक्राइब किया और आगे निकल गए। बेल आइकन क्लिक करेंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंच जाएगी। तो 5K सब्सक्राइबर पे इटालियन पिज़्ज़ा की जानिब से आज हमें स्पॉन्सर है। अभी तो आगाज़ इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, स्पॉन्सर आते चले जाएंगे, आपको भी मैं लाजमी इन्वाइट करूँगा जब हमारे पास बड़े बड़े स्पॉन्सर आएंगे, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। आपने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, आप मेरे साथ हमेशा 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 रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी केक लेने के लिए। अच्छा मैं लेके जा रहा हूँ ये वाली बाइक। कैसे हो? अच्छा ये अक्सर मेरे पास आता है तो ना मुझसे सलाम लेता है, क्योंकि ना इनके साथ मैंने एक दो बार नाश्ता किया हुआ है। ऐसी है ना, ये आया है, ये अक्सर खड़ा होता है ना तो मुझसे सलाम लेने आ जाता है। नदीम भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अभी भी गुजर रहा था, मुस्कुराने लग गया मेरी तरफ देख के। और चले जी, मैं अभी केक का पता करने आया था, इनके पास एक दो चीज़ें मिसिंग है, वो आगे दुकान से पता करते हैं, वहाँ से लेते हैं चल। अच्छा भैया वो ना केक के ऊपर जो लिखते हैं नंबर है आपके पास? हाँ दिखाइएगा ज़रा मुझे, निकाल के। भाई जान निकाल रहे हैं यहाँ से, मिल जाए अल्लाह करे। नहीं भाई है कर, मेरे को जानता नहीं। चले वो दूसरा दे दें फिर, वो येलो वाला जो बड़ा होता है पीछे लगा लेंगे, वो चले दे दें। वो सके वो, हाँ बड़ा दोनों दे, 5 और K दोनों। वो छोटे वाला मैं चाह रहा था कि केक के ऊपर लगा लिया जाए, वो इनके पास है नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि वो बड़े वाले ले लेते हैं जो पीछे लगा होता है। अच्छा ये है, चलें जी शुक्रिया। ये हो गया जी 5 और K, लें भाई जान शुक्रिया। खाने को यहाँ बहुत मज़े मज़े की चीज़ें पड़ी हुई और भूख भी बड़ी लगी हुई है, लेकिन पहले केक कट कर लें उसके बाद कुछ खाने का प्लान करते हैं। चौधरी स्वीट वालों के पास जैज कैश अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे निकलवाना पड़ रहा है आगे दुकान पर जाके, वहाँ से चल के जैज कैश निकलवाते हैं और फिर उनको पे करते हैं और फिर हम अपना केक उठवाते हैं। यहाँ से जैज कैश शुक्र है नज़दीक से ही मिल रहा है और पास ही दुकान है नगीना चौक, पैसे मिल गए। इस टाइम मैं नगीना चौक के दरमियान से गुजर रहा हूँ, ये पाक पतन का एक चौक है बड़ा मशहूर। हाँ जी क्या हाल है? एक बार फिर से हम आ गए, ये पड़े हुए हैं जी केक, नीचे वाला ज़्यादा प्यारा पड़ा हुआ है ये वाला। जब आप इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें ज़्यादा देख लेते हो ना तो परेशान हो जाते हो, कौन सी चीज़ आपने पसंद करनी है। तो ऐसे करते हैं अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरा 100। ये केक उठा दो, ये नीचे वाला जी। ये है जी हमारा प्यारा सा क्यूट सा केक, अब ये पैक होगा। अरसलान भाई उधर मेरा वेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाईजान जल्दी आ जाओ। अच्छा जी ये है जी हमारी हक हलाल की कमाई, ये मैंने समा से जो पे मिली थी ना उसी में से मैंने बचा कर रखे हुए थे, मैंने कहा जी किसी काम आ जाएंगे हमें। ये ले सर दे। ये है जी हमारा केक, चलें जी अब चलते हैं जल्दी जल्दी, अरसलान भाई हमारा वेट कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू मेरी दुआ है आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके
सब्सक्राइबर्स में, लाइक्स में, दिन ब दिन वो बात तो पुरानी है लेकिन है बड़ी जबरदस्त की दिन रात अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अली भाई, आपको इंतजार करवाया, माजरत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। भाई अरसलान भाई, आप मिलवा रहे हैं, आप करवा रहे हैं, तो ये मुश्किल हो ही नहीं सकती मुझे। चलें अब चलें जरा, मैं वो 5K के लिए ना वो दूसरा भी लेके आया बलून। हमारे 5K फिल होकर आ चुके हैं और अब जरा थोड़ा सेटअप शेटअप होगा। आर्टिस्ट से इनको इतनी मोहब्बत है देखें, और खुद से तैयारी करवा रहे हैं भाईजान, खुद अली भाई खुद उन्हें कह रहे हैं कि यार ये यहाँ सेटअप रखो। नदीम अशरफ की सेलिब्रेशन है और नदीम अशरफ की फैमिली की सेलिब्रेशन है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, केक बड़ा प्यारा ले रहा है, खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है माशाल्लाह। जनाब हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे 5K, हैप्पी बर्थडे नदीम अशरफ, हैप्पी बर्थडे 5K। भाईजान अल्लाह पाक आपको और ये 5K हमारे भाई के मुकम्मल हुए माशाल्लाह। ये पाक पतन के लिए बड़ी फखर की बात है कि पाक पतन में भी इतना टैलेंट है। मेरी तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि स्पेशली नदीम भाई के पेज को फॉलो करें और इनकी वीडियो देखा करें। मेरी तमाम यूट्यूबर से, टिकटॉकर से, तमाम आर्टिस्ट फैमिली से रिक्वेस्ट है कि जो भी किसी भी किस्म के टैलेंट से वाबस्ता है वो इटालियन पिज़्ज़ा को अपनी फैमिली की तरह समझे और अपने जितने भी इवेंट्स हैं वो यहाँ पे आके सेलिब्रेट करें। इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल सपोर्ट भी किया जाएगा, स्पॉन्सर्ड भी किया जाएगा, बेफिक्र होके फैमिलीज के साथ आए, खुद आए, इंजॉय करें, मजे करें। और जनाब जल्द अज जल्द आप यहाँ से वाबस्ता होंगे तो 5K ऐसे होंगे इंशाल्लाह। सेलिब्रेशन होगी 5K की और नेक तमन्नाएं, नेक उम्मीदें सभी की जानिब से मुझे मिल रही हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मिलियन की जानिब गामजन होंगे। इस पे सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए, खास तौर पे पाक पतन की, क्योंकि पाक पतन ने बड़ी मोहब्बत दिया और मैं पाक पतन का सपूत हूँ। अब अरसलान भाई जो है वो कह रहे हैं मेरे निकलना। अरसलान भाई बड़ी बड़ी मोहब्बत, इंशाल्लाह बड़ी बड़ी मोहब्बत। अरसलान भाई हमारे लिए रुके हुए थे, बहुत शुक्रिया। पिद्दू हमारे साथ आप केक खाओ, जल्दी करो, आज आज भाई जान आप भी आ जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, खाएं 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 खाएं, आप भी आ जाए यार प्यारे, खाएं आप भी खाएंगे यार प्यारे, आ जाओ। चलो ये भाईजान यहाँ सारे काम करने वाले हैं, हमारी मोहब्बतें सारी इनके साथ हैं भाई। केक बड़ा मज़े का यार, अगर 24 स्वीट के पास जैज़ कैश नहीं है लेकिन केक अच्छा है यार, ये उनको दाद मिलती है। हाँ हाँ इधर आएँ यार, आप रह गए, केक खा लें, ले लें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ले लें सारे, पकड़ लें सारे, पकड़ लें पकड़ लें पकड़ लें। मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है आप फ्यूचर के स्टार हैं, इसलिए आज हम बैठ के आपके साथ वीडियो बना रहे हैं कि हमको याद रखना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो है ना अब बताएं, सेलिब्रेशन हो गई है, मुझे बताएं पिज्जा वगैरह क्या खाना है? पिज्जा डेफिनेटली, पिज्जा तो मैं खा के जाऊंगा, छोड़ने वाला मैं हूँ नहीं हूँ क्योंकि मैं फूडी हूँ। पिज्जा वो खाऊंगा जो इटालियन का सबसे बेस्ट है। अब मुझे आपने बताना है कि बेस्ट कौन सा, हमारे सारे स्पेशल है, आप पसंद करें। मैं कहता हूँ आज आ जाए आपको, मैं जो आप पसंद करेंगे लाइव कहेंगे पिज्जा वही मैं आपको लगवा के दे। चलें जी ऐसा हो जाए, आज तो इत्तेफाक हो जाएगा कि मैं खुद चलकर देखूं अपना जो पिज्जा मैंने खाना है ना वो बनता हुआ देखूं और फिर यहाँ आके खुद उसको मैं तनावल करूं। चलें जी चलें फरहान भाई चलें। अब हम जाने लगे हैं अंदर किचन में उनके, और किचन भी दिखाते हैं, सबसे बेस्ट चीज होती है किचन, कि आपको किचन कैसा लग रहा है। बिल्कुल एक एक चीज वेल मैनर है, देखें एक एक चीज, और बंदों ने भी भाई वर्दियां पहनी हुई हैं माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है, मतलब यहाँ सभी एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं और इसीलिए मुझे लगता है बाहर इतनी बाइक्स खड़ी हुई थी। अच्छा यहाँ से आगाज होता है जी जी, ठीक है, इसके अंदर आप वो सब चीजें फिल करो, इसके बाद आ जाएगा इसके अंदर जी, ठीक है जी, चिपके ना। ये आपके चैनल से आज हम दिखा रहे हैं कि कोई दोस्त घर में भी बनाना चाहता हो तो पिज्जा को ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, में भी बना सकते हैं। बिल्कुल जी, 5 से 10 मिनट के लिए वैसे रख देना है, उसके बाद फिर इसके बाद चीजें इसके अंदर फिल होना शुरू। चले जी 10 मिनट हम इंतजार करते हैं, उसके बाद इसको वहाँ फिल किया जाएगा। A few minutes later. जी तो भाईजान 10 मिनट हो गए हैं, ये देखें आप, हो गया। अच्छा ये टॉपिंग किस चीज की अब करेंगे आप? ये पहले हम अपनी जो हमारी स्पेशल व्हाइट सॉस है जी जी वो लगाएंगे, ठीक है। अच्छा ये टॉपिंग होगी जी, ये हमारी बिल्कुल स्पेशल है, स्पेशल है जी। हमारा ये चिकन है, ये भी हम खुद तैयार करते हैं, ठीक है, खुद से आप खुद तैयार करते हो, मुर्गी तो नहीं हो?
नहीं नहीं वो नहीं, रेसिपी हम खुद तैयार। अच्छा रेसिपी खुद तैयार करते हो। मुझे भाई ने कहा है कि जी ये चिकन भी खुद तैयार करता हूँ, मुझे लगा ये खुद से चिकन बनाते हैं। ये चीज आ गई, यहाँ जितनी भी चीजें पड़ी हुई ये आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ आपको बाजार से इजीली अवेलेबल हो जाएगी और आप घर में ये पिज्जा खुद भी बना सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद क्या है जी? इसके बाद ये शिमला, शिमला आ गई। अच्छा ये आ गया, ब्लैक ऑलिव होते हैं, ऑलिव है जी, जेल पिनो जी, ठीक है जी, ये स्वीट कॉर्न होते हैं, स्वीट कॉर्न ये ठीक है, ये मशरूम होते हैं, मशरूम आ गए। इतना भर दिया ये मुझसे खाया जाएगा, मुझे ये बता दो तुम। अब अगला क्या मरहला है वो बताओ। मरहला ये आपके सामने है भाई, ठीक है, कन्वेयर होने ऑटोमेटिकली कॉमन होता है, ठीक है, इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, इसमें इधर डालेंगे, ठीक है, निकल जाएगा ये। चले जी ये यहाँ रख दिया गया है और चेन के थ्रू ये दूसरी साइड से निकला आएगा। और कितने मिनट के लिए ये? 7 मिनट के लिए। चले जी पिज्जा रेडी हो चुका है। इतने मिनट में आपको लगता होगा ये पिज्जे में घंटे लगते हैं और बाद में आपके सामने आता है। दरअसल ये होता है कि जब रश होता है ना दुकानों पे, तो वो पिज्जा डिलीवरी होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इतना तैयार होने में इतना टाइम नहीं लगता। 7 से 8 मिनट कंप्लीट और पिज्जा निकल के बाहर आ चुका है। चले जी पिज्जा रेडी। हाँ, और ये बाहर आ गया। वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त यार। अच्छा फिर वापिस आ जाए। चले जी ये स्पेशल सॉस। अच्छा जी यहाँ विंग्स भी निकलने वाली, क्या बात है ना। इसके ऊपर जब ये सॉस आई है ना, आहा, मेरा दिल कर रहा है इसको उठा दिए, लेकिन गर्म है भाई, हाथ नहीं चलवाने ना, मैंने बाहर चलता हूँ, बैठ कर तमीज से तहम्मुल से खाएंगे हम इसको। अब हम चलते हैं बाहर, बैठते हैं और इंतजार करते हैं, ऑर्डर आ जाएगा टेबल के ऊपर, तब तक हमें 2 से 3 मिनट वेट करना पड़ेगा। ले जी हमारा पिज्ज़ा रेडी, गर्मा गर्म और खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। क्या बात है, क्या बात है भाई। और ये सॉस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्रीमी जूसी, बहुत मजे का यार, बहुत आला, बहुत जबरदस्त। विंग्स भी आ गए हैं हमारे पास, इतना प्यारा सा सजा के उसको रखा हुआ है, एक एक चीज, नगेट्स हैं, उसके बाद विंग्स हैं। पहले इसको खा लूं, फिर उसके बाद हम इस नगेट्स और विंग्स पे हाथ साफ करेंगे। अब बारी है ये नगेट्स। लाजवाब यार, बहुत शुक्रिया भैया, बहुत, बहुत बहुत जबरदस्त। अभी यहाँ से हमने तनावुल किया पिज्जा, बहुत बहुत जबरदस्त। भाई कैसे हैं आप? ठीक है। अरे भाई जन बहुत बहुत शुक्रिया। ये और भैया हमारे मोबिलिंग ब्रांच में जो है ना ऑपरेशन मैनेजर हैं। ठीक है ठीक है, जबरदस्त। भाई को जानता हूँ। अच्छा पहले जान जाने बेहतर है। भाई भाई बड़ी बड़ी मोहब्बत, जज़ाकअल्लाह। भाई जन कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ आप? माशा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। अच्छा नहीं जी, मोहब्बत है भाई जान की, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, एक एक चीज अच्छे से आपने मैनेज करवाई, तैयारी करवाई और एक अच्छा सेटअप दिया मुझे सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि मेरी जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली, उसके लिए मैं चाह रहा था कि अच्छी सी सेलिब्रेशन हो, उनको अच्छा व्लॉग मैं दूँ, तो ये आपके तवस्सुल से हुआ है। आपने बड़ी माशाल्लाह, आपकी अपनी बड़ी एफर्ट है भाई। मैं तो आपको खुद जो है ना वो इसी सोशल मीडिया से आपका ताल्लुक है, बिल्कुल। और हमें, हमारे लिए क्या बल्कि पाक पतन के लिए फख्र की बात है। देखिए 2-3 जर्नल्स निकले, आयशा बख्श निकली, आयशा बख्श जिसका नाम पूरा पाक पतन जानता है, बिल्कुल। और इसी तरह ही हम चाहते हैं कि आपका नाम भी इसी तरह पाक पतन क्या पूरी पाक पतन का नाम पूरी दुनिया में करे, इंशाल्लाह। हमारी तो ख्वाहिश है कि आपका नाम पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में आपका नाम जो है ना फेमस होगा। तो खुशी होती है पाक पतन में जब इतना टैलेंट देखते हैं कि यार पाक पतन में ना तो इतनी कुछ स्पेस है, ना कोई ऐसे अदारे हैं, बिल्कुल ठीक है, छोटा सा हमारा शहर है, बिल्कुल, तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत पर पूरा शहर आप मुकम्मल देख सकते हैं इसी तरह, बिल्कुल इस तरह। तो वहाँ पे इस तरह का टैलेंट जो है ना वो हमारे लिए भी फख्र है, और मैं पाक पतन की आवाम से भी अपील करना चाहता हूँ, बिल्कुल, कि जितने मेरे दोस्त हैं अगर मुझे सुन रहे हैं वो तो नदीम भाई का चैनल को सब्सक्राइब करें और हौसला अफजाई करें, बिल्कुल, और पाक पतन के लिए बड़े फख्र की बात है। मुझे नहीं लगता था कि मैं ये सेलिब्रेट कर पाऊंगा एकदम से, और असलान भाई की सबसे बड़ी काविश है इसमें। असलान भाई, फरहान भाई को मैं पहले से भी जानता था, उन्हें कहा यार आपको ना इटालियन पिज्जा पे लेके जाना है, मुझे नहीं पता था कि फरहान भाई इटालियन पिज्जा के ओनर हैं, इसको रन कर रहे हैं, यहाँ अली भाई भी साथ मौजूद हैं। जो शख्स आप पे एहसान करता है कभी उसको भूलना नहीं चाहिए, और मोहसिन को जो भूल जाता है वो कभी जिंदगी में कामयाब तो हो ही नहीं सकता। असलान भाई के तवस्सुल से मैं यहाँ आया फरहान भाई, और बड़ा अच्छा एक सेटअप बन गया, सेलिब्रेशन हो गई, केक कट गया, पिज्जा शिज़ा हमने खा लिया, ये सब प्लान हुआ हुआ था अल्लाह की तरफ से।
हमारी कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सिर्फ है कि अल्लाह ने बुलवाया कि भाई तुमने यहाँ आके सेलिब्रेट करना है। पाक पतन की ऑडियंस ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आगे भी मेरी आपसे यही इल्तजा है कि आप मुझे सपोर्ट करें, जहाँ आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हाजिर, नदीम अशरफ आपके लिए हर वक्त हर जगह पर हाजिर, कहीं भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े। इसी के साथ मुझे लगता है कि मेरे व्लॉग को यहाँ एंड होना चाहिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर करिएगा। इसी के साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया तुम भाई, बहुत शुक्रिया यार।